जय हिंद बच्चों, आज पढ़ते हैं कक्षा 9 प्रथम पाठ जैतू मे माता। यह पाठ त्रिपथगा नामक कविता से लिया गया है। इसमें एक मूर्धन्य कवि और लेखक आचार्य डॉक्टर प्रभु दयाल अग्निहोत्री ने लिखा है। यह जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लक्ष्य करके लिखा गया है। पहला श्लोक, जयतु जयतु मे माता, अस्याः कष्टकरं दुर्दैवं शाम्यतु सदा विधाता। तो बच्चों, जयतु जय हो, जयतु जय हो, मे माता हे भारत माता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अस्याः इसके कष्टकरं समस्त कष्टों को, मुसीबतों को, दुर्दैवम और मुश्किलों को हमेशा, सदा मतलब हमेशा, साम्यतु मिटाते रहें। कौन? विधाता अर्थात ईश्वर, हमेशा दूर करते रहें। श्लोक क्रमांक 2, त्वम वेदोष उपनिषद जनयत्री भारत रामायण कवयत्री अजनिष्ठाः कृष्णम गोपालम योगीताया गाता। अर्थात हे भारत माता, तुम्हारे ही वेद और उपनिषद, तुम ही वेद और उपनिषद की जननी हो। हे भारत माता, तुम्हारे ही अंदर रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई है। तुम उनकी जननी अर्थात रचना रचयित्री हो। हे भारत माता, तुम ही गीता का गायन करने वाले जगत प्रभु, जगत के आधार भगवान विष्णु, मुरली मनोहर जोशी, श्री कृष्ण की जननी हो। श्लोक नंबर 3, ज्ञान भानुरादौ त्वयि उदितः सूरस्ते तनयः समुदितः केवल निज रक्षार्थम अहिंसाव्रति बाण संधाता। अर्थात हे भारत माता, तुम्हारे ही अंदर ज्ञान का सूर्य सबसे पहले उदित हुआ है। ज्ञान भानुरादौ, ज्ञान का सूर्य तुम्हारे ही अंदर त्वयि उदितः तुम्हारे अंदर उदित हुआ है। सूरस्ते तनयः समुदितः और तुम्हारे ही अंदर समस्त प्रकार के वीर पुरुष जन्म लिए हुए हैं। वीर पुरुषों ने तुम्हारे ही अर्थात भारत भूमि पर ही जन्म लिया है। बच्चों, ये कहना चाहते हैं कवि कि केवल भारत भूमि पर ही वीरों ने जन्म लिया है और वे वीर केवल अपनी रक्षा करने के लिए ही शस्त्र उठाते थे, बाणों का संधान करते थे अर्थात धनुष पर बाण चलाते थे, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, केवल अपनी रक्षा करने के लिए। चौथा मौर्य शुंग गुप्ता भी नंदिता हर्ष भोज शिवराज बंदिता संप्रति लोक गणोयम सकल स्तव सीमान्नः सीमान्नाम त्राता। अर्थात तुम हे भारत माता, तुम मौर्य शुंग और गुप्त आदि वंशों के राजाओं के द्वारा पूजित की गई हो तथा हर्ष भोज और छत्रपति शिवाजी जैसे वीर राजाओं, वीर पुंगवों द्वारा वंदित की गई हो। तुम्हारी वंदना इनके द्वारा की गई है। हे भारत माता, इसी पावन भूमि पर पैदा हुए वीर जन ही तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं और कोई नहीं। पांचवा, कालिदास कविता रस मगना सांख्य योग साधन संलग्ना नालंदा जनता मातस्ते श्रद्धांजलिम प्रदाता। अर्थात हे भारत माता, कविता की मधुर राग रागनियों के रस में मग्न अर्थात डूबे हुए कौन? महाकवि कालिदास। इसके साथ साथ सांख्य और दर्शन और योग इन साधन में संलग्न हमेशा डूबे हुए रहने वाले अजंता और नालंदा के विद्वान जन तुम्हारी वंदना करते हैं। अर्थात सांख्य योग वाले भी और नालंदा और अजंता जैसे
स्थानों पर पड़े हुए विद्वान तुम्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्लोक नंबर 6, कच्छ काम रूपांत वासनी गंगा कावेरी सुहासिनी चतुर दिगंत वह पवनस्ते मातर यश साम गाता। अर्थात तुम हे भारत माता, तुम कच्छ से लेकर काम रूप तक निवास करने वाली हो। तुम्हारी ही गोदी में गंगा और कावेरी जैसी नदियाँ सुशोभित हो रही हैं, खेल रही हैं, और चारों दिशाओं में बहने वाली हवा तुम्हारे यश को, हे भारत माता, तुम्हारी यश को, तुम्हारी कीर्ति को चारों ओर फैला रही हैं। अंतिम और सातवां श्लोक, साभिता सीमांत रक्षकः येन न दंसति को अपीक्तक्षकः निष्कारण विद्वेष कर स्तव कालमुखं प्रतियाता। जयतु मे माता, जयतु जयतु मे माता, जयतु जयतु मे माता, जयतु जयतु मे माता। अर्थात हे भारत माता, सीमार की रक्षा करने वाले जो वीर जवान हैं, तुम हे वीर जवानों, तुम सावधानी पूर्वक सजगता से अपनी भारत माता की रक्षा करो, ताकि कोई भी शत्रु इस भारत माता को दुख ना पहुंचा सके, उसका कुछ ना बिगाड़ सके। हे माँ, जो तुमसे अर्थात भारत भूमि से छल कपट करता है, शत्रुता का भाव रखता है, द्वेषता करता है, वह अपने आप ही काल के गाल में समा जाता है, अर्थात मर जाता है। इसलिए हे भारत माता, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हे भारत माता, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो।